ओ बरसाने बदत बधाई कीरत ने लाली जाई, कीरत ने लाली जाई, कीरत ने लाली जाई, ओ बरसाने बजत बधाई कीरत ने लाली जाई। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया सरण बारा सर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज ब्रज महिमा परिवार आपको पुनः श्रीधाम बरसाना लेकर के आया है, और आज जो आनंद रस श्रीधाम बरसाना में बरस रहा है वो तीनों लोकों से अनोखा है महाराज। इस आनंद रस का वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता, क्योंकि कल ठीक 4 बजे हमारी लाडली जी का जन्म महामहोत्सव बड़े ही धूमधाम से समस्त भक्तजन, समस्त श्रद्धालु और समस्त वैष्णव जन बड़े ही प्रेम से, बड़े ही श्रद्धा से मनाएंगे। और आप देख सकते हैं कितनी संख्या में श्रद्धालु श्रीधाम बरसाना पधारे हैं लाडली जी के जन्म महामहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए। और मैं ब्रज महिमा टीम की तरफ से आप सभी भक्तों को लालडी जी के जन्म महामहोत्सव की मंगल में बधाई देता हूँ, ढेरों बधाई देता हूँ। आइए हम और आप चलते हैं लालडी जी के श्री चरणों में। आज ऊंची अटारी पर किस प्रकार का आनंद रस बरस रहा है उसको दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं लालडी जी की ऊंची अटारी पर और आनंद लेते हैं आज किशोरी जी के दिव्य दर्शनों का, क्योंकि कल प्रातः ठीक 4 बजे लालडी जी का महाअभिषेक किया जाएगा और हमारी लालडी जी अवतार धारण करेंगे। तो आइए चलते हैं किशोरी जी के श्री चरणों में। और अब की बार प्रशासन की इतनी सुंदर व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल के जवान नजर रखे हुए हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना यहाँ ना होने पाए। समस्त संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं होगा जहाँ से श्रद्धालु श्रीधाम बरसाना न पधारते हों। आइए चलते हैं, राधा नाम की मस्ती चारों ओर गूंज रही है महाराज। चारों तरफ हमारी लाडली जी के नाम का गुणगान भक्तों के माध्यम से किया जा रहा है। जिधर भी देखो उधर राधा नाम की मस्ती छाई हुई है भक्तों पर। और अब हम पहुंच गए हैं श्री जी महल के सिंहपुर स्थान पर। यही हमारी किशोरी जी के चरण विराजमान है। आइए प्रणाम करते हैं। बोलिए लाडली लाल की जय, अलवेली सरकार की जय, राधा रानी की जय। और आइए अब चलते हैं किशोरी जी के श्री चरणों में। कैसा आनंद रस बरस रहा है आज लाडली जी महल में महाराज, जिसको शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। आइए चलते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं लालडी जी की सफेद छतरी पर। दो लाइनें मुझे याद आती हैं आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से मैं लालडी जी के चरणों में निवेदन करूं। हे महारानी कृपा भर साए रखना, कृपा भर साए रखना। हे महारानी कृपा भर साए रखना, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बर साए रखना। हे महारानी कृपा बर साए रखना। और नंदगांव वाले भी आ चुके हैं आप देख सकते हैं। आज नंदगांव से नंद बाबा के यहाँ से नंद बाबा बधाई देने के लिए आए हैं ब्रजवान बाबा को। आइए चलते हैं, समाज भी है आज, समस्त समाज आज एकत्रित हुई है ब्रजवान बाबा और कीर्ति मैया को बधाई देने के लिए। आइए आनंद लेते हैं लालडी जी की ऊंची अटारी पर। और आप भक्तों से एक निवेदन करूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से संपूर्ण ब्रज मंदिर के दर्शन प्राप्त करने के लिए आप ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं उन नंबरों से आप संपर्क करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्रज महिमा परिवार व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करें, ताकि ब्रजमंडल के संपूर्ण दर्शन आप भक्तों को प्रातः और शाम दोनों समय घर बैठे प्राप्त होते रहें। आइए अब देर नहीं करेंगे, चलते हैं लालडी जी के श्री चरणों में। और अब हम पहुंच गए हैं लालडी जी की सफेद छतरी पर, एक बार मैं आपको दर्शन कराऊं। कल ठीक 4 बजे हमारी स्वामिनी जी ऊंची अटारी से उतर करके अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसाने के लिए सफेद छतरी में विराजमान होंगी प्यारे श्याम सुंदर के साथ, और कल भी खूब आनंद रस बरसेगा श्रीधाम बरसाना में। तो आइए प्रणाम करते हैं सफेद छतरी को
और उसके उपरांत चलते हैं लाडली के श्री चरणों में। बोलिए लाडली लाल की जय। और अब की बार प्रशासन की तरफ से बड़ी ही सुंदर व्यवस्था की गई है, बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया है लाडली महल में, ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत बढ़िया व्यवस्था इस बार पिछले वर्षों की अपेक्षा अब की बार की गई है और किसी भी श्रद्धालु को यहाँ कोई परेशानी नहीं है। खूब आनंद में है सभी श्रद्धालु, खूब आनंद रस बरस रहा है और ब्रजवासी बड़े भाव से यहाँ श्रद्धालुओं की सेवा भी कर रहे हैं। आप देखिए धन्य है इनके श्रद्धा भाव को महाराज। और आइए अब चलते हैं किशोरी जी की सुंदर छवि का हृदय में स्मरण करते हुए लाडली जी के श्री चरणों में ऊंची अटारी पर। बोलिए लाडली लाल की, अलवेली सरकार की। और अब आप दर्शन कीजिए हमारी लाडली जी की अटारी के मुख्य द्वार के, श्री लाडली जी महाराज की जय। श्रीराम बरसाना में हमारी किशोरी जी को लाडली जी कहा जाता है और लाडली जी के महल के द्वार पर मंगल सेनाइयां बज रही हैं, नक्काड़े बज रहे हैं। आज खूब आनंद रस श्रीराम बरसाना में लाडली जी महल में बरस रहा है और मैं आपको ऊपर से दर्शन कराऊं। देखिए कितनी संख्या में श्रद्धालु आज श्रीराम बरसाना लाडली जी महल पर आ रहे हैं। जहां तक निगाह जाती है वहां तक भक्ति भक्त नजर आते हैं। और आइए प्रवेश करते हैं किशोरी जी कन्या जीवन में मंगल चौखट को प्रणाम करते हैं। जय हो लाडली लाल की। सेनाइयां बज रही हैं, नकारे बज रहे हैं और भक्त देखिए किस आनंद में झूमते हैं महाराज श्री जी के चरणों में पहुंच करके। और अब हमने प्रवेश कर लिया लाडली जी के श्री चरणों में। आपको महल के एक बार दर्शन कराऊं, आज कैसी सुंदर शोभा है हमारी किशोरी जी के महल की। लाडली जी के जन्म महोत्सव की पूर्व संध्या पर आज श्रीधाम नंदगांव से नंद बाबा परकर यहाँ ब्रजवान बाबा को बधाई देने के लिए पधारा। आप दर्शन कीजिए एक बार, समस्त गोस्वामी समाज आज यहाँ एकत्रित हुआ है और नंद बाबा के यहाँ से जो भी प्रतिनिधि यहाँ आए हैं वो सब ब्रजवान बाबा और कीर्ति मैया को बधाई देने के लिए श्रीधाम बरसाना पधारे हैं। और आज श्रीधाम नंदगांव से गोस्वामी जन पधारे हैं कीर्ति मैया और ब्रजवान बाबा को बधाई देने के लिए। आगे जानते हैं इनके अद्भुत भाव, किस भाव से आगे लाडली जी महल पधारे। प्रभु जी राधे राधे। राधे राधे। आप अपना शुभ नाम पहले बताओ। मेरा नाम विष्णु गोस्वामी महाराज। विष्णु गोस्वामी नंदगांव। आप कहाँ से हैं? नंदगांव। आज काय को पधारे हैं? ये बेटा राधाष्टमी आज सप्तमी है आज। अच्छा, कल जो है राधाष्टमी है और श्री जी की बधाई मंगल या पदगायन हो समाज हो नंदगांव बरसाने की। कल बधाई महोत्सव बधाई लुटेगी। आज हमारे विष्णु बाबा को आप बधाई दे बधाई दे आए आए ले बधाए रंगदास लिए और नागरिया रानी मिली आनंद विनोद में भई भानजू के रूप की निधान सुता बजत बधाई धुन छाई महामूद में कीजत ने कन्या दई यशोदा की गोद में यशोदा ने डाला दी और कीजत की गोद में भई भानजू के रूप की निधान सुता बजत बधाई धुन छाई महामूद में। तो ये इस प्रकार से यहाँ पद होते हैं ठाकुर जी के और ये सब नंदगांव की गोस्वामी समाज यहाँ बधाई मंगल करने आएंगे श्री विश्वान भवन में। और कल प्रातः फिर सुबह 10 बजे से यहाँ बाढ़ बधाई झाड़ी झाड़ी लीजा आदि सब महोत्सव यहाँ नंदगांव बरसाने कल पुनः पधारेंगे। यहाँ बधाई महोत्सव धूमधाम से फिर मनाया जाएगा सुबह 4 बजे अभिषेक होगा श्री जी का लाडली जी का। आज हमारे ठाकुर जी और लाडली जी दोनों के कुल यहाँ मिले हैं, कैसो आनंद रस बरसे हो है। ये नंद विश्वान से नहीं एक बात ये नंदगांव बरसानो या एक ही करके मानो ये दोनों सुनने में अलग है। एक ही है सुनने में अलग है लीला के लिए ऐसे एक वैसे दोनों एक ही है। और ये लीला या पूजन की लीला है नंद प्रसभान की लीला है और ये दोनों पढ़कर इनके प्रतिनिधि के रूप में इस लीला का आनंद लेते हैं। बोलिए लाडली लाल की जय हो। प्रभु आपको मैं मंगल में बधाई दूं लाडली जी के जन्म महोत्सव की आपको बार बार बधाई हो। देखिए गोस्वामी जन कितने श्रद्धा से और कितने भाव से वर्णन करते हैं कि दोनों कुल सुनने में अलग हैं परंतु मूलत तत्व एक ही है। न लाडली जी अलग हैं और न ठाकुर जी अलग हैं और ये नंद बाबा की तरफ से आज गोस्वामी जन पधारे हैं ब्रजवान बाबा को बधाई देने के लिए। अब आनंद लेते हैं लाडली और लालजू के अलौकिक दर्शनों का। आज जो दर्शन की सेवा है महाराज बाकी तो देवता भी देख के नहीं निहाल है जाए।
ऐसी आज दर्शन की सुबह है लाडली जी के। आइए आनंद लेते हैं किशोरी जी के दिव्य दर्शनों का। बोलिए लाडली लाल की जय, हलवेली सरकार की जय, राधा रानी की जय। और अभी आपने दर्शन किए हमारी स्वामी जी के, आइए अब मैं आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से किशोरी जी के श्री चरणों में प्रणाम कर देता हूँ। हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप सम्भवा त्रायमाम सर्वेश्वरी सर्व पाप हरोवा सर्व कष्ट हरोवा सर्व दुख हरोवा। और आइए अब आनंद लेते हैं लाडली जी की ऊंची अटारी से श्रीधाम बरसाना के। देखिए चारों ओर हमारी लाडली जी के जन्म महामहोत्सव की धूम संपूर्ण बरसाना में मची हुई है। और मैं आपको लाडली जी के महल के दर्शन कराऊं, आप दिन की शोभा के दर्शन करें, कैसी सुंदर शोभा है हमारी लाडली जी की। और थोड़ी देर के बाद यहाँ लाइटें जल जाएंगी तो आप वो दर्शन तो बड़े ही अलौकिक दर्शन है महाराज। और मैं आपको एक दर्शन और कराऊं, बगल में ही श्री कुशल बिहारी जी सरकार विराजमान है, उनके भी आप महल के दर्शन करो। बड़ा ही सुंदर आज मंदिर की शोभा है लाडली जी के जन्म महामहोत्सव के उपलक्ष्य में। आप देख सकते हैं कैसी रंग बिरंगी लाइटों में नाया हुआ कुशल बिहारी सरकार का मंदिर बड़ा ही सुंदर लगता है। और आप भक्तों से निवेदन करूं, ओ बरसाने बजत बधाई की रत्ने लाली जाई, की रत्ने लाली जाई, की रत्ने लाली जाई, ओ बरसाने बजत बधाई की रत्ने लाली जाई। और आज आपने हमारे साथ लाडली जी के जन्म महामहोत्सव की पूर्व संध्या पर किशोरी जी के दर्शन प्राप्त करके और लाडली जी के महल की शोभा के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ऐसे अलौकिक दर्शन पहुँच सकें। अगर आपने ब्रजमहिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ब्रजमहिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि संपूर्ण ब्रजमंडल के उत्सवों के दर्शन आप सभी भक्तों को सहज में ही प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाडली जी के श्री चरणों से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।